नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम। 5 बजने को हैं और हम हाजिर हैं 5 की आंच के साथ। 5 की आंच में आज हम बात करेंगे शहरों में बढ़ते प्रदूषण की, जो लोगों की सांसों पर आफत बनकर उभरा है। इसके अलावा हम बात करेंगे टीचर्स की मानसिकता की, जो गुस्से में मासूमों पर डंडे बरसाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। साथ ही बात होगी युवकों में बढ़ती खुद को दबंग दिखाने की ललक, जिसमें वो खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे उन किसानों की, जिन्होंने परेशान होकर आत्मदाह करने की इजाजत मांगी है। और बात होगी गरीबों के राशन की, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा भी बहुत और खबरें होंगी, लेकिन ये 5 तस्वीरें जिन पर हम करेंगे विस्तार से बात। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जो महासमुंद से आ रही है। परसदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पिकअप ने बाइक सवारों को कुचला है। घटना स्थल पर 2 युवकों की मौत। परसदा राइस मिल के पास ये हादसा हुआ। महासमुंद कोतवाली क्षेत्र की घटना है। तो पिकअप ने बाइक सवारों को कुचला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। तो पिकअप ने बाइक सवारों को कुचला, मौके पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। परसदा राइस मिल के पास ये हादसा हुआ। महासमुंद कोतवाली क्षेत्र में ये आता है इलाका, जहां पर ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां एक शिक्षक ने अपने गुरु होने की मर्यादा को तार तार कर दिया। उसने गुस्से में आकर एक छात्र को बुरी तरह से पीट दिया, जो कहीं से भी उचित ठहराया नहीं जा सकता। पैरों पर ये लाल लाल निशान देखिए। मासूम से दिखने वाले इस बच्चे के साथ अत्याचार हुआ है। ये तस्वीरें उज्जैन की है, जहाँ एक स्कूल में छात्र को लट से पीट दिया गया। चिंतामन थाना अंतर्गत हासमपुरा स्थित गो ग्रीन स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुलमी ने स्कूल के एक छात्र को लट से पीट दिया, जिससे उसकी उंगली और हाथ में चोट आने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पालखेड़ी निवासी 10वीं कक्षा के छात्र प्रियांश आंजन, उम्र 17 वर्ष, ने पुलिस को बताया कि स्कूल से लौटते समय हासमपुरा रोड पर ये घटना हुई। स्कूल से लौटते समय किन्हीं अन्य बच्चों ने बस में बम फोड़ दिया था, जिसकी शिकायत बस चालक सुभाष ने गो ग्रीन स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुलमी को दी। प्रिंसिपल स्कूल से लट लेकर अपनी बाइक पर सवार हुए और हासमपुरा रोड पर खड़ी बस के पास पहुंचे। वहां ड्राइवर ने मुझे पकड़ा और प्रिंसिपल ने लट से बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। घायल छात्र ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर चिंतामन थाने में पहुंचे। पुलिस ने प्रिंसिपल को बुलाकर थाने में बैठाया और बच्चे को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति देखकर डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। फिलहाल चिंतामन जवासिया थाने पर कार्रवाई की जा रही है। युवाओं में खुद को दबंग दिखाने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। खुद को लोगों की नजरों में लाने और अपनी धाक जमाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा हथियारों के प्रदर्शन का हथकंडा है। ऐसा ही एक मामला मुरैना से आया है, जहां एक युवक हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूम रहा था। मुरैना में हाथ में रिवॉल्वर लेकर एक युवक घूमता नजर आया। इस दौरान युवक की पुलिस से झड़प हो गई। छीना झपटी के बाद पुलिस ने युवक से रिवॉल्वर छीन लिया। ये मामला सिटी कोतवाली थाना इलाके की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चौराहे का है। अब इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि एक युवक हथियार के साथ है, तो वहीं वीडियो में पुलिस और युवक के बीच झड़प चल रही है। युवक बीच सड़क पर जमकर ड्रामेबाजी करते नजर आ रहा है। युवक को मनोरोगी बताया जा रहा है, जो मंजीतपुरा का रहने वाला है। खबर बुरहानपुर से, जहां डैम के लिए अधिग्रहित खेत की जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर 1500 किसानों ने राष्ट्रपति से सामूहिक आत्मदाह की अनुमति मांगी है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखा है और 28 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की है। हम लोग सब यहां पे 3 गांव के किसान, जय किसान, भारत माता की, जय जवान, जय किसान।
देखिए हम लोग सब यहाँ पे तीन गांव के जवान जय किसान भारत माता की जय भारत माता की जय अब बात करेंगे बलरामपुर जिले की, जहां कड़ियां पंचायत से सैकड़ों की संख्या में गांव वाले कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन देकर राशन दुकान संचालक पर राशन बांटने में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। गांव वालों का कहना है कि कड़ियां पंचायत का राशन दुकान संचालक कई महीनों से हितग्राहियों को राशन कम तोल करके दे रहा है। गांव वालों का आरोप है कि राशन दुकान से राशन लेते वक्त तौल सही दिखाती है, लेकिन दूसरी जगह इस राशन को तौलने पर ये कम हो जाता है। इस तरह का खेल दुकान संचालक कई महीने से कर रहा है। दुकान संचालक मृत व्यक्तियों के नाम से भी राशन ले रहा है। वही मामले में कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। वोटिंग खत्म होने के बाद अब काउंटिंग का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कई तो अभी से ही अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में हर खुशी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैंड, धुमाल और डीजे वालों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। लंबे समय से खाली बैठे इन कलाकारों को उम्मीद है कि चुनाव के आने वाले नतीजे इनकी किस्मत का भी ताला खोल देंगे। किसी भी शुभ कार्य में इस शहनाई की धुन को काफी शुभ माना जाता है, फिर चाहे बात शादी समारोह की हो या किसी और जश्न की। इसके बगैर किसी भी खुशी का इजहार करना संभव नहीं। यही वजह है कि चुनाव संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक दल के उम्मीदवार अपनी खुशी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि परिणाम सामने आने में अभी सप्ताह भर का वक्त बचा है, लेकिन कई तो ऐसे हैं जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए डीजे, बैंड और बाकी चीज़ों की बुकिंग शुरू कर दी है। कलाकार भी पूरे उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि चुनाव परिणाम उनकी किस्मत का भी ताला खोलेंगे। अब ऐसा है सर कि चुनाव के माहौल है और चुनाव के माहौल में कोई ग्राहक अभी आ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव मतगणना के बाद में अगर आए ग्राहक तो बैंड वाले का एक ही काम है कि आ जाएगा बुक होके तो चलो, नहीं तो बुक ही नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, बैठे रहते दुकान में। उम्मीद है और उम्मीद है ग्राहक आ जाएगा तो चलो भाई जाएंगे करके। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दलों के पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनाव का परिणाम आने को लेकर उत्साह है। यही वजह है कि जीत के जश्न की तैयारी यहां शुरू हो चुकी है। कोई बैंड बाजे की बुकिंग करा रहा है तो कोई ढोल ताशे की एडवांस बुकिंग दे चुका है। इधर चुनावी समर की वजह से बैंड बाजा, ढोल ताशे और धूमल के कारोबारियों में उत्साह है। पहले चुनाव प्रचार के लिए उनको बुक किया गया था और अब चुनाव के परिणाम के लिए उन्हें एडवांस बुकिंग मिल रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में रिजल्ट को लेकर भारी उत्साह है और हमारे भाजपा के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने डीजे, ढोल ताशा, नंगाड़ा ये सब बुक करा के रखा है। 3-4 होटलों में नाश्ता की व्यवस्था करवा के रखे हैं और विशाल जुलूस के रूप में निकालेंगे उसको, विजय जुलूस। पूरी पूरी तैयारी हो गई है और सबका बाइज्जत पेमेंट किया गया है पहले से एडवांस में, ताकि वहाँ पे कोई विघ्न ना आ पाए। आपको पूरा भरोसा है कि भाजपा के पक्ष में पूरा बहुमत है, मतदाता उत्साहित थे और उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। हम लोग को यकीन है कि हमारी सरकार बन रही है, 55 पार होगा हमारा, परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा और परिणाम को अपने पक्ष में, क्योंकि हमने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाया है और इसी उत्साह को लेकर हमने बैंड और बाजा बुक किया है और 3 तारीख को हम जोश उल्लास के साथ अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। और जो पब्लिक है जो काफ़ी खुश होती है और उनको अपना खुशी जाहिर करने का उसके मौका मिलता है। आप लोगों को क्या उम्मीद है, कितनी बुकिंग आएगी क्या? सर जो भी उम्मीदवार रहते हैं तो लगता डीजे तो है ही है सर, तो काफ़ी डीजे बगैर तो खुशी जाहिर ही नहीं होती है, तो आएगा है सर। तो उसका हम तो उम्मीद काफ़ी लेके रखे हुए हैं, तो उम्मीदवार जो भी जीतेंगे और अच्छा मतलब ऑर्डर अपने को मिलेगा, इसकी तैयारी अपन करके रखे हुए हैं। नेताओं के भाग्य का पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा और तब ही पता चल जाएगा कि किसके यहाँ बैंड बाजा बजेगा और किसके यहाँ मातमी धुन सुनाई देगी। लेकिन इतना तो तय है कि बैंड बाजे और डीजे के व्यवसाय से जुड़े लोगों की
चांदी होने वाली है। न्यूज 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और बिलासपुर से उमेश मौर्य की रिपोर्ट। अब तक हम और आप सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण की खबरों पर चिंता जाहिर करते थे, लेकिन अब ये जानलेवा प्रदूषण मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी अपने पैर पसारने लगा है। एमपी में कई शहरों की हवा जहरीली हो गई है। सुबह हो या शाम, हर वक्त धुंध नजर आती है। लोग बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब चिंतित हैं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, अब देश के कुछ और राज्यों में वायु प्रदूषण लोगों की जिंदगी में जहर घोलने लगा है। हम बात कर रहे हैं एमपी की, जहां राजधानी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर बढ़ते वायु प्रदूषण से हलाकान हो रहे हैं। इसके लिए लोग खराब सड़कों और कचरा जलाने को प्रमुख जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि घटती हरियाली के कारण ही वायु प्रदूषण बढ़ा है। जिन्हें सांस की बीमारी है, आजकल कुछ दिनों से ये स्थिति आ गई कि जिनको सांस की बीमारी है, उन्होंने अपने घर से निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि एयर में इतना पॉल्यूशन है कि जैसे ही वो सांस लेते हैं उनके फेफड़ों में समस्या होनी चालू हो जाती है। जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं या रात में जो सुबह बिजी होने के कारण शाम को वॉक करने जाते हैं या दौड़ने जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में मतलब सांस जैसे फूलने लगती है तो एकदम से सांस कंट्रोल में नहीं आती। पुराने वाहन हैं, उसमें कुछ सरकारी वाहन भी हैं जो अभी तक काफ़ी काला धुआं छोड़ रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, जिससे भी काफ़ी परेशानी होती है। इस कारण क्या मरीजों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है, और आप जहाँ से भी सड़क से भी निकलें धूल के कण हैं। नगर निगम की जो मशीनें हैं वो खराब पड़ी हुई हैं, ना तो कचरा उड़ रहा है ना धूल साफ हो रही है। इस बारे में भोपाल कलेक्टर का कहना है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण चार पहिया वाहनों से हो रहा है। सभी वाहनों का PUC टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से AQI लेवल भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और उसके पीछे जो स्टडीज़ हुई हैं उनके तीन मुख्य कारण आए हैं। सबसे बड़ा कारण जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, और ख़ास तौर पर जो अनफिट वाहन हैं जो चल रहे हैं उनकी वजह से धुआं ज़्यादा निकलता है, वो सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ साथ खुले में कचरे का जलना और धूल दो अन्य प्रमुख कारण हैं। इधर ग्वालियर में भी वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बना है। ग्वालियर में हवा खराब होने के चलते बच्चे, बुजुर्गों, दमा और अस्थमा के मरीजों पर असर पड़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं शहर के लोग इस बात से नाराज हैं कि लापरवाह बना नगरीय निकाय और जिला प्रशासन इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। खासतौर से जो दमे के पेशेंट है और जो स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हरियाली हमारे यहाँ कम होती जा रही है, सड़कें खराब हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, इस चक्कर में प्रदूषण बढ़ रहा है। ग्वालियर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है शहर में खुदी हुई सड़कें। इन सड़कों पर यातायात के चलते उड़ने वाले धूल कण हवा को जहरीला कर रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर शहर में करीब 12,000 से ज्यादा पुराने डीजल वाहन धुआं उगल रहे हैं। ग्वालियर का AQI लेवल लगातार घातक स्तर पर पहुँच रहा है। सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन के लिए तहत जो जिम्मेदार शासन प्रशासन है, एक तो धूल उड़ना, जलना, कचरा का जलना, गाड़ियां, ये सब जो डीजल की गाड़ियां चल गई हैं, कचड़े जल गए हैं, धूल उड़ गई है, इसकी बहुत अच्छे पैमाने पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। उधर जबलपुर में पॉल्यूशन का स्तर खतरे से कई गुना ज्यादा ऊपर चला गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में जबलपुर में प्रदूषण का स्तर 320 पहुंच गया है। शहरवासियों ने इस पर चिंता जाहिर की है। जो वाहनों में बढ़ोतरी हुई है जबलपुर में, तो वो सारा कुछ ऐसा कारण मिला के मुझे लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ा है, और इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, शहर का IQA बढ़ चुका है 300%, और देखा जाए तो दिवाली के कारण और ज़्यादा बढ़ चुका है पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है लोगों के लिए, और लोगों को जागरूक होना चाहिए। ज़्यादा PPM लेवल बढ़ चुका है, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है डॉक्टर्स के पास इतनी ज़्यादा लाइन लग रही है। हमारे जो है छातियों में जलन होती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज हम देखें तो वहाँ पे जो है इतना प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण जो है लोगों को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याएँ हो रही हैं। शहरों की आबो हवा खराब होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इससे निपटना भी आसान नजर नहीं आता। जरूरत है लोगों को खुद आगे आने की। जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सरकारों और प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी डालते रहेंगे, हवा में फैल रहे जहर से निपटना आसान नहीं होगा। भोपाल से वासु चौरे, ग्वालियर से सुशील कौशिक और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक लाइव जुड़ रहे हैं, मिथिलेश गुप्ता हैं इंदौर का हाल बताने के लिए। ग्वालियर का पहले रुख कर लेते हैं। सुशील, जरा दिल्ली एनसीआर या बड़े शहरों की तरह बस छोटे शहरों में भी लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, प्रदूषण परेशान कर रहा है, क्या है ग्वालियर की रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अगर कहें तो आज सबसे ज़्यादा जहरीली हवा मध्य प्रदेश में रही तो वो ग्वालियर की रही है। ग्वालियर का AQI लेवल 346 के पार जा चुका है, यानी जो 200 का AQI लेवल घातक माना जाता है उसके ऊपर, यानी ये अति घातक यानी वेरी पुअर कैटेगरी में ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है आज का। और सबसे बड़ी वजह यही सामने आ रही है कि ग्वालियर में एक दर्जन से ज़्यादा जो खुदी हुई सड़कें हैं, इसके अलावा जो पुराने 12,000 से ज़्यादा डीजल वाहन हैं, धुआं उगलने वाले, इसके अलावा धूल के कण जो सड़कों से उड़ रहे हैं यातायात के चलते, इसकी वजह से ग्वालियर की हवा लगातार जहरीली हो रही है। और ऊपर से अब परेशानियां ये बढ़ रही है कि ठंड का मौसम शुरू होने से हवा की गति कम हो गई है, जिसके चलते ये जो धूल के कण है धुआं और तंग कर रहा है। इंदौर का भी हाल जान लेते हैं, मिथिलेश गुप्ता, क्लीन सिटी इंदौर भी प्रदूषण से नहीं बच पाई है, क्या है AQI और कदम क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की बात की जाए तो इसमें AQI का स्तर 200 के पार चल रहा है, यानी अब ये कह सकते हैं कि जो इंदौर की हवा है वो धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 7 अलग अलग बिंदुओं पर नगर निगम को एक पत्र लिखा है, उसमें जिक्र किया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें उनका टाइमिंग बढ़ाया जाए, उसकी संख्या बढ़ाया जाए, जहां पर ओवरब्रिज का काम चल रहा है उसके आसपास के कच्चे जो सड़क है उसका काम डामरीकरण किया जाए, जहां पर चिन्हित करके उन्होंने हॉटस्पॉट बताया है कि यहां पर AQI स्तर ज्यादा है, वहां पर मैकेनिकल जो स्वीपिंग मशीन है उससे दिन भर में 2 से 3 बार सफाई होनी चाहिए, जगह जगह पर छिड़काव होना चाहिए। तो अलग अलग 7 बिंदु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर निगम को सुझाव दिए हैं, ये करना बेहद जरूरी है वरना इंदौर की जो हवा है और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसका जो सबसे ज्यादा असर हो रहा है वो 5 साल से छोटे बच्चे और जिन्हें अस्थमा की बीमारी उन्हें सबसे ज्यादा हो रही है। अगर इस वक्त इंदौर के अस्पतालों की बात करें तो छोटे बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं और खासतौर पर चाइल्डहुड लगातार ये एडवाइस भी किया जा रहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग या जो अस्थमा के पेशेंट है वो घर से बाहर ना निकले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत के लिए। और ये प्रदूषण अब छोटे शहरों को में भी रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा है, उचित तौर पर कदम उठाने की सख्त आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।